हेलो फ्रेंड, यदि आप अपने घर की बाहर की दीवार को पेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड, जो कि आपके बजट में आ जाता है। सो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको इसकी पूरी जानकारी। ये पेंट आप कैसे करेंगे और इसका क्या-क्या प्रोसेस है। फ्रेंड, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, या फिर किसी और कंट्रेक्टर से कराना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रेंड, आपकी दीवार एक अच्छी क्वालिटी में कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इस पेंट को करने से पहले फ्रेंड, सबसे पहले आप दीवार को अच्छे से घिसाई कर ले, साफ कर ले। जो भी पपड़ी का एरिया है उसे आप अच्छे से निकाल दे, निकलने वाले पपड़ी को रिमूव कर दे फ्रेंड। उसके बाद इस दीवार को अच्छे से साफ कर ले झाड़ू से। और उसके बाद फ्रेंड आता है इसका रिपेयर कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर आपके ज़्यादातर बाहरी दीवारों पर सीलन का प्रॉब्लम होता है। यदि आपका ग्राउंड फ्लोर है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो ज़मीन से उठती है सीलन और हर बार आपका पेंट निकल जाता है फ्रेंड। इसके लिए करना क्या है, वॉल पुट्टी केयर लेना है और ब्लैक सीमेंट लेना है। यदि आप 3 kg वॉल पुट्टी ले रहे हैं तो 1 kg आप ब्लैक सीमेंट ले लें और दोनों को आपस में मिक्स कर दें फ्रेंड, जिस तरह की आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आप उतना ही मटेरियल आपको बनाना है जितना आपका रिपेयर करना है तत्काल में फ्रेंड। जो आप रिपेयर बनाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स तक आप रिपेयर कर दें, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते हैं। सो फ्रेंड, इसको पानी से अच्छे से पानी डालकर फ्रेंड इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जिस एरिया में आपको इसका रिपेयर करना है उस एरिया को आप अच्छे से पानी से गीला कर दें। पानी से गीला करने का रीज़न ये होता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सीमेंट मिक्स होता है, इस पर जितना पानी पड़ेगा, जितना आप पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी मजबूती बढ़ेगी, ना कि ये पेंट आपका निकलेगा। सो फ्रेंड, इस तरह का प्रोसेस से आपके पेंट की लाइफ डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेंड ये दीवार आपकी नमक वाली होती है, जो ईंट का नमक होता खारे पानी का वो आपके प्लास्टर में आ जाता है। यही कारण है जो कि आपका पेंट हर बारी निकल जाता है फ्रेंड। इसका इलाज सिर्फ सीमेंट है। यदि आप वॉल पुट्टी में सीमेंट मिक्स करके आप लगाते हैं तो आपके पेंट की लाइफ ज़्यादा चलती है और कभी नहीं निकलती है फ्रेंड। आपका इस पेंट को लाइफ पेंट की लाइफ डबल से भी ज़्यादा कर देता है। सो फ्रेंड, अगर यदि आपकी दीवार ख़राब है तो बिल्कुल इसी तरह रिपेयर करें और 2 से 3 बार इसका रिपेयर कर दें, जब तक दीवार स्मूथ ना हो जाए फ्रेंड। उसके बाद आप सूखने के लिए फ्रेंड इसे छोड़ दें 3 से 4 घंटा, जब तक कि आपका ये रिपेयर वाली दीवार सूख ना जाए। उसके बाद आप 150 नंबर रेगमार से आप इसकी सेंटिंग कर दें, इसकी घिसाई कर दें। साफ करने के बाद आप वाटर प्राइमर लगा सकते हैं, ये और आप चाहे तो ऑयल प्राइमर भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ फ्रेंड हम आपको बता रहे हैं वाटर प्राइमर लगाने के लिए। आप वाटर प्राइमर कोई भी लगाएं फ्रेंड, ब्रांडेड कंपनी का ही लगाएं। यहाँ पर बर्जर का हमने लगाया हुआ है, आप एशियन का भी लगा सकते हैं और डुलक्स का भी। पेटेंट कंपनी जो होती हैं, आप अच्छी कंपनी का प्राइमर लगाने की कोशिश करें फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है, आपका नंबर आ जाता है पेंट करने का फ्रेंड। पेंट आप अपने मर्जी के कलर हाथ से भी बना सकते हैं, डार्क हो, लाइट हो या फिर कोई भी शेड हो, आप कंप्यूटर से भी बनवा सकते हैं। कंप्यूटराइज भी आपको
दुकान वाला फार्मूला बना के दे देगा पोलोथीन में, ले आके आप लीटर के हिसाब से आप पेंट में मिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आपको 30 से 40% पानी मिक्स करना है, और उसके बाद फ्रेंड आपका प्राइमर 3 से 4 घंटे सूखने के लिए छोड़ दें। जब सूख जाए आपका प्राइमर, तो आप इस तरह से कोट इस पर ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से आप लगा सकते हैं। पहला कोट लगाने के बाद फ्रेंड इसको 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने दें। सेम इसी पोजीशन में, इसी डायरेक्शन में फ्रेंड आप डबल कोट या तीसरा कोट भी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट सेकंड 2 से 3 कोट आपका बाहर की दीवार पर लगेगा फ्रेंड। चूँकि आप सीमेंट मिक्स किए हुए रहते हैं, इसलिए इसका कालापन जाने के लिए 3 कोट लग सकता है फ्रेंड। ये आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।